इधर अजहार के मौके पे गोश्त के साथ साथ आपको सब्जियां और फ्रूट भी खाने चाहिए। फाइबर का इस्तेमाल इसलिए जरूरी है ताकि आपको कब्ज वगैरह ना हो और आपके तबीयत का ख्याल हो। अस्सलाम वालेकुम, ईद के मौके पर शुगर के मरीज गोश्त का इस्तेमाल एहतियात से करें और चर्बी का कम से कम इस्तेमाल करें, और गोश्त को अगर खाना चाहें तो ऑयल में बनाकर इस्तेमाल करें। जैसा कि देखा गया है कि ईद के दिनों में लोग जो है वो चर्बी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो बकरे की चर्बी निकलती है या गाय की चर्बी निकलती है वही जो है वो लोग खाने के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा आप खाने में वो चर्बी डालने की वजह उससे आपके कोलेस्ट्रॉल में इजाफा हो जाता है। आप वो चर्बी इस्तेमाल करने की बजाय कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और कुकिंग ऑयल में ही खाना जो है वो बनाए, गोश्त वगैरह तैयार करें, क्योंकि आप लोग ना गोश्त ज़्यादा खाएंगे, गोश्त खाने की वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए कम से कम गोश्त का इस्तेमाल करें और चर्बी का भी कम इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ नमक का भी कम इस्तेमाल करें। जितना ज़्यादा नमक का कम इस्तेमाल करेंगे आपके सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा जो है ना मुफीद है। और गोश्त का अगर इस्तेमाल करना है तो उसको ऑयल में इस्तेमाल करें, घी में बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। ऑयल में इस्तेमाल करने से आपकी जो सेहत जो है ना उसको ज़्यादा फायदा होगा। मतलब इसके मौके पर गोश्त को अच्छी तरह पका कर इस्तेमाल करें ताकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बन सके। बच्चों का हर लिहाज से प्यार है। नंबर दो ये है कि आप बकरे गोश्त खाने से पहले अपने घर में सलाद, दही, लस्सी का इंतज़ाम हर लिहाज से अच्छे तरीके से रखें कि बकरीद का गोश्त की वजह से आपको कोई मैदे में कोई तकलीफ ना हो। ईद अज़हा के मौके पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करते हैं और अपनी डेली की रूटीन वॉक को कम कर देते हैं। मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी वॉक को जारी रखें ताकि हमारा जो गोश्त हमने खाया होगा वो जल्दी हजम हो जाए और हमारा मीठा ठीक कम। ईद अज़हा के मौके पर हमारे क्षेत्र में हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जो जानवर जबा करते वक्त हाथ पे हाथ कटे होते हैं, छुरी लग जाती है, आप इस चीज़ का खास एहतियात करें। ईद अज़हा के मौके पर कोल्ड ड्रिंक्स और बोतल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, कच्ची लस्सी और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। सलाम अलैकुम, मैं उम्मीद चिराग बोल रहे हैं, आपको पहले डॉक्टर को ईद मुबारक हो। यूरिक के पेशेंट खाना कम इस्तेमाल करें।